शालिनी वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई रीड यू बिकेज डूइंग वेल सो मैंने अपने चैनल पर काफ़ी ग्लो ऑफ वीडियोज़ पोस्ट किए हैं बट मैंने ऐसे डेडिकेटेड ग्लो ऑफ वीडियो फॉर पी सी ओ डी स्ट्रगल्स प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व दम उस पर कभी वीडियो पोस्ट नहीं किया ना आई बीन सफरिंग फ्रॉम पी सी ओ डी फॉर द पास्ट सिक्स ईयर्स ऑलमोस्ट सो पीसीू डीज द कंडीशन दट अफेक्ट्स योर हार्मोन इट इज अम्बैलेंस ऑफ हार्मोन जिसकी वजह से आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अफेक्ट होता है सो पीसीूडी अफेट्स योर स्किन यू डू गेट लॉट ऑफ बॉडी हेयर एंड फेशियल हेयर यू गेट लॉट ऑफ हॉम बॉडी एक्ने एंड फेस एक्ने ऑल्सो आपके बालों को भी अफेक्ट करता है आपके बाल फाइन हो जाते हैं हेर लॉस हेयर फॉल हो जाता है इट अफेक्ट्स यूर नील्स एज वेल मेरे नील्स ग्रो करना बहुत मुश्किल है इवन दो आई लाइक ग्रोइंग माई नील्स बहुत जल्दी टूट जाता है बिकॉज ब्रिटल हो जाते हैं नील्स सो आईल बॉकिंग अबाउट ऑल दिस प्रॉब्लम्स एंड आई बी ऑल्सो शोइंग how i like to tackle them on a weekly basis so today's video is a glow up routine of a pcod curl so without further ado let's begin <laughs> सीओी की वजह से मुझे फेशियल हेयर आते हैं एंड आई एम डन विथ माई टू सेशन ऑफ लेजर ट्रीटमेंट फॉर माई फेशियल हेयर दो सेशन के बाद दिस इज वॉट द कंडीशन ऑफ माई फेशियल हेयर इज ग्रोथ है बट मैं कहूँगी कि थिकनेस काफी हद तक कम हो चुकी है एंड आई हेव नॉट शेव माई फेस फॉर ओवर अ वीक नाउ सो अर्लियर आज टू शेव माई फेस टू टू थ्री टाइम्स अ वीक बट आई हेव शिफ्टेड टू वन अक नाउ तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा मैंने फेस को अच्छे से वॉश किया यूजिंग अ फेस वॉश एंड आफ्टर दैट

की फेस की रियलिटी आपको दिखाई है एंड आई बीन सो ओपन अबाउट माय फेशियल हेयर सो फेस को शेव करने के बाद जो भी रेजर में होगा मैं उसे गीले कॉटन पैड में रिमूव करूंगी एंड आई विल बी रिपीटिंग द सेम स्टेप फॉर माई नेक एज वेल फॉर माई नेक डायरेक्शन में चेंज कर दूंगी आई विल गोइंग इन दफर्ड डायरेक्शन टू गेट क्लोज शेव माई नेक इज नॉट दैट सेंसिटिव एज कंपेयर टू माई फेस स्किन फाइनली लिप्स के आस पास के बालों को रिमूव करूंगी चिन पे जो भी मुझे फेसियल एयर दिख रहे हैं उससे मैं रिमूव करूंगी एंड ऑल्सो बिटवीन माई आईब्रोज एक्स्ट्रा बाल मुझे दिख रहे हैं उसे मैं शेव करूंगी आई डू हैव यूनिब्रो मैंने अपने आईब्रोज को शेप नहीं किया क्यूंकि देर वॉज नो रिक्वायरमेंट एंड देन एक गीला कॉटन पैड लेके अपने पूरे फेस में से जो भी रेसिड्यू बच गया होगा ना रेजर यूज करने के बाद उसे रिमूव करूंगी एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप दट आई एम डूइंग दैट इज यूजिंग अ आईज रोलर ऑन माई फेस दिस जस्ट हेल्प टू कूल डाउन एंड कॉम डाउन माई स्किन सो अपनी चीक्स पे अपने नेक पे से अच्छे से यूज करूंगी और मैं ना बहुत हल्के हल्के हाथों से इसे यूज कर रही थी यू हैव टू लाइक यूज सच काइंड ऑफ रोलर एग्रेसिवली ऑन योर फेस आफ्टर दैट आई वॉश माई एंटायर फेस विद रेगुलर वॉटर पैड ड्राइड माई स्किन गोइंग टू अपलाई नाइसमाइट सिरम ऑन माई फेस नाइसमाइट सिरम हैलिंग प्रॉपर्टीज एज वेल अपार्ट फ्रॉम लाइक फाइटिंग एक्स इट हेल्प टू काम डाउन इरटेटेड स्किन इसलिए मैंने नाइसमाइट सिरम अप्लाई किया उसके बाद आई बी अपलाइंग मॉइस्चराइजर ऑल ओवर माई फेस टू बिंग बैक हाइड्रेशन टू माई फेस एंड दिस इज हा आर बिन शेविंग माई फेस वंस अ वीक और मैं इस रूटीन को रात को फॉलो करना पसंद करती हूँ ताकि रात में मेरी स्किन को और ज्यादा समय मिल जाए हील होने में बिकॉज योर स्किन गोज थ्रू अ हीलिंग पीरियड दिस इज द नेक्स्ट डे आई मी शोइंग यू हाउ है आई थिंक पहली बार अपने चैनल पे अपलोज और पर्सनल मैं आपको बॉडी एक्ने दिखा रही हूँ अभी तो एक्टिव नहीं है वो एक्ने दब चुके हैं मार्क्स है पीठ पे ज्यादातर बट पहले बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे वो मुझे पीठ के अलावा आर्म्स के आस भी काफी आखने होते हैं सो आई एल बी यूजिंग वन पर्सन सेक्सप्लेटिंग बॉडी वॉश बाई दैन डरमा को दिस इज माई सेकंड बॉटल ऑफ दिस बॉडी वॉश मैं बड़ा सा बॉडी ऑर्गेनिक लूफा लूंगी एंड आई एल बी वेटिंग इट फर्स्ट उसके बाद मैं दो से तीन पंप सेल्सिलिक बॉडी वॉश का इसमें लूंगी इट ओवर माय बॉडी सो हाउ दिस बॉडी वॉश इज दैट दिसिकल सो दिस वर्क्स ऑन द लेयर ऑफ द स्किन दिस अनकलॉक्सी पोर्स टार्ग एक्ड्स व्हाइट हेड्स एज वेल सो दिस हेल्प्स टू डीपली एक्सफोलिएट द स्किन एंड रिमूव डेड स्किन सेल्स मैंने इसे लूफा के साथ यूज किया अपने बॉडी में बट यू डोंट रियली नीड अ लूफा बिकॉज दिस इज एक्सफोलिएटर So, आप लूफा स्किप करके अपने हाथों से भी इसे यूज कर सकते हो दिस इज ऑल्सो पावर द मॉइस्टर इसकी वजह से ना इसको यूज करने के बाद आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड फील नहीं होगी दिस इज सल्फेट फ्री एंड फ्रेग्रेस फ्री प्रोडक्ट अगर आप बॉडी वॉश से कम्फर्टेबल नहीं हो दे ऑल्सो है सोप वेरियंट फॉर दिसिक एसिड प्लस चारकोल डेली सिंगरेट सोप इस सोप के पैकेट में दो सोप आते हैं और आप लोग देख सकते हो की मैंने एक ऑलरेडी काफी यूज किया है एन आई मोस्टली लाइक टू यूज दिस फॉर माई बोडी लाइक बर्ड एक्नि Texture, I know too much information. So, if you're interested in Dermaco products, I do have a coupon code Shalini2022. You can use my coupon code and you will get 20% off on their website. And every time you're going to make a purchase on Dermaco's website, you will be helping a child with education because Dermaco is going to link your order to a child that they help educate along with Pumi. They have pledged to help over 10,000 plus students across the year. <laughs> नेक्स्ट स्टेप इन माई रूटीन इज टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी है दिस इज द बिफोर कंडीशन कुछ फोर्टी फाइव डेज हो चुके हैं मैंने अपने लेग्स हैंड्स को वैक्स नहीं किया है काफी ग्रोथ है एंड आई एव ऑलरेडी एक्सोलेटेड माई एंटायर बॉडी बुक एन एट होम सर्विस अपॉइंटमेंट फॉर रोल ऑन वैक्स सो प्रोफेशनल केम टू माई हाउस उन्होंने अच्छे से सेटअप जमायाटेड द वैक्सिंग रूटीन दिस इज वाइट चॉकलेट रोल ऑन वैक्स एड एप्टेड फॉर ये ना कुलफनी फ्री होता है सो so ये रैसेज और इरिटेशन नहीं देता है आपके स्किन में एनी वे इट कम्स टू लाइक रिमूविंग बॉडी हेयर एम कंफर्टेबल विद वैक्सिंग

About removing body hair, you don't really have to do it. This is just a personal choice. वैक्सिंग के बाद दिस इज नेक्स्ट डे एक्चुअली एंड आई बी टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन पर्टिकुलरली एक्ने मार्क्स सो पीसीओडी की वजह से मुझे एक्ने आते हैं अभी एक्ने कम हो चुके हैं बट एक्ने मार्क्स अभी धीरे धीरे करके जा रहे हैं और आज मैं आपको रूटीन दिखाने वाली आई लाइक टू डू दिस वंस अ वीक जस्ट टू टारगेट एक्ने मार्क्स तो सबसे पहले अपने पूरे फेस को मैं धोंगी यूजिंग अ जेंटल क्लिंजर एंड देन आई एन पैड ड्राई माई स्किन उसके बाद एल बी यूजिंग ट्वेंटी पीलिंग सोल्यूशन बट मैं अपने पूरे फेस पे यूज नहीं करूंगी मैं स्पॉट ट्रीट

से अपलाई करूंगी और चिन पे टू टारगेट व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स मुझे ब्लैक हेड्स इतने नहीं पर व्हाइट हेड्स जरूर हैं एंड आई बी कीपिंग दिस फॉर टेन मिनट्स ओनली ऑन माई फेस एंड आफ्टर टेन मिनट्स माई मका जिसने पानी है आई विल स्टार्ट वॉशिंग माई फेस वेरी जेंटली पूरे फेस को वॉश करने के बाद एक और बार बाथरूम में जाकर अपने पूरे फेस को अच्छे से वॉश करूंगी विथ क्लीन वॉटर उसके बाद आई बी डूइंग टू स्टेप स्किन के रोटीन दट इज ब्रिंग बैक हाइड्रेशन टू माई फे फॉर दट आई बीजिंग टोनर विच इज हाइड्रेटिंग टोन ऑल ओवर माई फेस एंड देन आई बीजिंग अ मॉइस्चराइजर विच इज सिरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर सो ये मेरे पूरे स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करेगा एंड दिस इज अ रूटीन दैट आई दू फॉलो वंस अ वीक फॉर एक्ने मार्क्स. दिस इज द लास्ट डे ऑफ दिस रूटीन एंड टूडे be फोकसिंग ऑन माई हेयर एंड nails. पीसीओडी की वजह से ना हेयर भी काफी अफेक्ट होते हैं बालों की हेयर फॉल हो जाता है लॉस है, भी हो जाता है एकदम फाइन है थिन है सो आईल गिविंग अयर ऑयल हेड मसाज टू माई हेयर सबसे पहले मैं अपने बालों को डिटेंगल करूंगी यूजिंग अ व्हाइट टूथ को एंड देख दिस वर्जन कोकोनट ऑल ऑल्सो हेज एलोवेरा एंड मिक्स अपि इन एड एंड सबसे पहले मैं अपने बालों में इसे अप्लाई करूंगी ठीक है उसके बाद बाद में मसाज करूंगी तो ऊपर पीछे हर जगह मैंने अपने बालों में इसे अप्लाई किया एंड देन विद हेल्प ऑफ द टिप ऑफ माई फिंगर नॉट माई द टिप ऑफ माई फिंगर्स आई विल स्टार्ट मसाजिंग तो सामने से पीछे की तरफ मैं अपने आप को हेड मसाज दूंगी हेड मसाज से होता है कि आप ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव और इंक्रीज होता है आपके रूट्स पे एंड इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन मीन्स बेटर एब्सॉर्बन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय योर रूट्स एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन दैट आई लाइक टू गिव अ हेड मसाज एंड आई नेवर यूज्ड टू बिलीव इन दिस अंटिल माय डॉक्टर टोल्ड मी दैट इट एक्चुअली कैन है

i'll be applying conditioner on the length of my hair gonna keep it for two minutes gonna rinse that off and then i'll be towel drying my hair Uske baad i'll be completely air drying my hair and this is a routine that i like to follow once a week and it feels so relaxed trust me you have to try it

नेल्स को फाइल करना शुरू करूंगी आई वोट ओवर फाइल माई नेल्स के ऊपर थोड़ा बहुत रेसिड दिख रहा है मुझे पीला -पीला वही रिमूव करूंगी मैं और एक हाथ के नेल्स को फाइल करने के बाद आप लोग बिफोर और आफ्टर देख सकते ऑलरेडी नजर आ रहा है मुझे आई आर बुइंग दी अर हैंड ऑफ कैरा एंड आफ्टर फाइलिंग माई नेल्स आई विल पुश बैक द क्यूटिकल ऑफ माई नेल्स दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप वन एवरी टू वीक जैसे की मैं आपको बताया दिस जिस हेल्प टू मेक माई नेल्स लुक मोर पुट टूगेदर आई विल सेन यूज अल पुशर बट मैं अपने थम के नेल से ही पुश

टॉप कोट दिस इज अ टॉप एंड बेस कोट बाय आई बी अप्लाइंग वन कोट ऑफ दिस इसके ऊपर मैं दूसरा नेल पेंट अपनी चॉइस का पिक करके लगा सकती हूँ ताकि येलोनेस से प्रोटेक्ट करे मेरे नेल्स को इसलिए मैंने इसे अप्लाई किया है उसके बाद आई मॉइस्चराइज माई क्यूटिकल्स आई अपलाइड सम एंटीसेप्टिक बोरलिन ऑल अक्रास माई क्यूटिकल्स एंड ऑल ओवर माई हैंड एंड दिस इज दफ्टर रिजल्टरी टू वीक्स एंड लाइक ट्राई टू ग्रो माई नेल्स सो या दैट्स हाइव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन बॉडी एंड हेयर जो भी पीसीओडी के प्रॉब्लम थ्रगल से वो बताया और कैसे उसे टैकल करना पसंद करती हूँ वो मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा समय निकाल के वीकली बेसिस पर यह सब कुछ करना मैं पसंद करती हूँ आई लव टू पैम्पर माई सेल्फ सो आई रियली होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा रिलेटेबल लगा होगा मैंने इतने ग्लोर वीडियोज़ पोस्ट किए बट मैंने कभी पी सी ओडी पर डेडिकेटेड ग्लोअ वीडियो पोस्ट नहीं किया सो Yeah, it's just a start. So yeah, if you truly enjoyed watching today's video, like this video, share this video with the friends and family. Do not forget to comment. I love to read your comments and do subscribe to my channel if you haven't already. And I'm gonna see you guys pretty soon with a brand new content on this channel. Bye everyone. Take care.